गई जब भी थोड़े दिन पहले मुझे मेरे एक दोस्त का कॉल आया और उसने मुझे पूछा कि भाई मेरी शादी है तो मैं अपनी शादी में कौन सी ड्रेस पहनूं। एंड जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ये समस्या थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है। और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये प्रॉब्लम होती होगी कि हाँ, शादी में कौन से कपड़े पहने, इसको डिसाइड करने में थोड़ा सा वो वैसा होता होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए आया हूँ हर फंक्शन के हिसाब से अलग अलग आउटफिट, यानी कि आपको किस फंक्शन में किस तरह की आउटफिट पहननी चाहिए, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको किस टाइम पर कैसी ड्रेस पहननी है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये वाली जो वीडियो है ये ग्रूम के लिए यानी कि दूल्हे के लिए है। अगर आप दूल्हे के दोस्त हैं तो आप दूल्हे को जाकर सजेस्ट कर सकते हैं कि आप इस तरह की आउटफिट अपनी शादी में पहन सकते हैं। तो सबसे पहले हम फंक्शंस के बढ़ते हुए क्रम में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फंक्शन आता है हमारे पास हल्दी फंक्शन। तो हल्दी फंक्शन में हमें पहनना चाहिए येलो कलर का कुर्ता पजामा। अब मेन बात यहाँ पर ये आती है कि आप दूल्हे हो और आपके दोस्त भी होंगे दूसरे या फैमिली वाले हैं, सब लोग येलो कलर का कुर्ता पजामा ही पहनेंगे, तो उसमें आपको इसे स्टैंड आउट करना है कि हाँ, आप दूल्हे हो, पूरी शादी का मेन फोकस आप पे है। तो इसके अंदर आपको एक चीज़ करनी है, आपको रेगुलर बिल्कुल नॉर्मल वाला कुर्ता पजामा नहीं पहनना है, आपको थोड़ा सा हाई एंड कुर्ता पजामा पहनना है, यानी कि उसमें आप एसिमेट्रिकल बटन वाला कुर्ता पहन सकते हैं, या फिर आप चाहे तो कुर्ते के ऊपर उसी कलर शेड की एक नेहरू जैकेट ऐड कर सकते हैं। वो बिल्कुल सेम शेड नहीं होना चाहिए, येलो का दूसरा कोई 19-20 शेड होना चाहिए, उस पर हल्की सी लाइट डिजाइन होगी तो और ज्यादा बेहतर लगेगा। इस तरह से आप एक अच्छा लुक क्रिएट कर सकते हैं। नंबर दो पे आता है दोस्तों मेहंदी फंक्शन। मेहंदी फंक्शन के अंदर भी आपको बिल्कुल सेम रूल अप्लाई करना है। इसके अंदर भी आपको यही करना है कि आपको थोड़ा सा असिमेट्रिकल डिजाइन वाला कुर्ता पहनना है, या फिर आप प्लेन कुर्ता पहन रहे हैं तो उस पर आप सिमिलर शेड का, उसी एक ही कलर फैमिली का, मेहंदी कलर फैमिली का ही दूसरा कोई शेड का नेहरू जैकेट ऐड कर सकते हैं। दोस्तों फंक्शन नंबर तीन आता है बिंदोली, यानी कि आपका घोड़ी पे चढ़ने का समय, आपका टॉप ऑफ द वर्ल्ड रहने का समय। तो मेरे प्यारे भाइयों, इस फंक्शन के लिए सबसे परफेक्ट आउटफिट रहेगी एक सूट, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल जेट ब्लैक कलर की तरफ ना जाए, आप कुछ ऐसे कलर चूज करें जैसे कि नेवी ब्लू, रॉयल ब्लू, ग्रे या फिर चारकोल शेड। एंड अगर पॉसिबल हो तो 3-पीस वाला सूट पहने, यानी कि शर्ट, वेस्ट कोट एंड देन ब्लेजर। एंड इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि उसकी फिटिंग सही होनी चाहिए, अन्यथा अदरवाइज आपका सूट आपकी पूरी पूरी लुकिंग की ऐसी की तैसी कर सकता है। एंड गाइज, आप उसमें थोड़ी सी एसेसरीज भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले एसेसरी हो गई वॉच, दूसरी हो गई टाई बार, तीसरी हो गई पॉकेट स्क्वायर। एंड हमें एसेसरीज को मिनिमल रखने का ट्राई करना है। भाइयों, चौथा फंक्शन आता है लेडीज संगीत, यानी कि महिला संगीत का फंक्शन। तो महिला संगीत के फंक्शन के अंदर सबसे बेस्ट आउटफिट मेरे हिसाब से होगी इंडो वेस्टर्न आउटफिट। अब इंडो वेस्टर्न आउटफिट में बहुत सारे अलग अलग तरह के डिजाइन आते हैं, तो मैं आपको एक छोटा सा सजेशन दूंगा कि आप इंटरनेट पे जाएं, एथनिक वियर या फिर इंडो वेस्टर्न आउटफिट सर्च करें, उसमें आपको अच्छे अच्छे आउटफिट आइडियाज मिल जाएंगे। एंड इसके अलावा एक अच्छा सजेशन मेरा ये होगा कि आप किसी बड़े ब्रांड की वेबसाइट पर जाएं, जैसे कि मान्यवर हो गया, तो मान्यवर की जो वेबसाइट है उस पर काफी ज्यादा अच्छे अच्छे डिजाइन दे रखे थे। एंड हाँ, मान्यवर इस वीडियो का स्पॉन्सर नहीं है, बट मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि मान्यवर की वेबसाइट पे बहुत सारे अच्छे अच्छे डिजाइन दे रखे थे, तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके आइडिया ले सकते हैं एंड फिर अपने बजट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। एंड मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है तो आप आउटफिट को खरीद नहीं, आप आउटफिट को रेंट पे ले सकते हैं, रेंट पे भी बहुत सारी आउटफिट्स मिलती हैं, तो उसमें आपको अच्छी से अच्छी आउटफिट उस परफेक्ट टाइम के लिए मिल सकती है। नंबर 5, बारात और फेरे। अब इन दोनों फंक्शंस में आप सेम ड्रेस भी पहन सकते हैं एंड आप चाहे तो अलग अलग ड्रेस भी पहन सकते हैं। तो इसके अंदर एक ऑप्शन तो ये है कि आप शेरवानी या फिर अचकन पहन सकते हैं। अगर आपको शेरवानी या अचकन पहनना पसंद है तो आप उनकी तरफ जा सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको सर्च करूंगा कि आपको इंटरनेट पे इस बारे में सर्च करना है कि सेलिब्रिटीज अपने फेरे में कौन सी आउटफिट पहनते हैं। जैसे कि विराट कोहली की शादी हुई थी, रणवीर सिंह की शादी हुई थी, विक्की कौशल की शादी हुई थी, तो उन्होंने अपने फेरे में कौन सी आउटफिट्स पहनी थी वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी एंड वहां से आप इंस्पिरेशन लेके अपने फेरों में भी उस तरह के आउटफिट पहन सकते हैं। लास्ट में नंबर 6 पे जो फंक्शन आता है वो लास्ट है लेकिन सबसे ज्यादा मेन फंक्शन है, वो है भाइयों रिसेप्शन। तो रिसेप्शन में आपको सबसे बेस्ट देखना है, आपको सबसे बेस्ट दिखने के लिए मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट आउटफिट है टक्सीडो। अब टक्सीडो सूट की तरह ही दिखने वाली एक आउटफिट होती है। इसके अंदर होता क्या है मेन कि अपनी जो ये कॉलर होती है ना, ये सूट वाली, उसके ऊपर साटन का लेपल दिया होता है एंड जो पैंट्स होती हैं वह भी साटन की पाइपिंग दे रखी होती है। इसमें टाई भी थोड़ी सी अलग तरह की यूज होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हो गया ये, दूसरा ऑप्शन मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट हो सकता है जोधपुरी। बट भाई जोधपुर के अंदर अधिकतर लोग ये करते हैं कि यार ब्लैक कलर की जोधपुरी पहन लेते हैं। ऑफकोर्स ब्लैक कलर की जोधपुरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बट ब्लैक कलर की जोधपुरी जो है वो आपके भाई लोग या फिर आपके दोस्त लोग भी यूज़ करेंगे, हो सकता है ऐसा। तो आप थोड़ा सा स्टैंड आउट करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा डिफरेंट कलर की जोधपुर की तरफ जा सकते हैं, ब्लैक कलर को आप हो सके तो अवॉइड करें। तो दोस्तों ये थे 6 इंडियन वेडिंग्स के फंक्शन एंड उनके हिसाब से परफेक्ट आउटफिट एक दूल्हे के लिए।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड साथ ही फैशन ग्रूमिंग लाइफस्टाइल की सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट वीडियोस पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल फैशन निक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्टाइलिश एंड कीप स्माइलिंग।